थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं एक्सरसाइजेज से, एक्सरसाइज काफी हो गई है आज, है ना। तो अब थोड़ा सा एक ऐसी चीज बताता हूं आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, हम अपने कम्युनिकेशन को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए बेसिक चीज क्या है। जैसे मैंने कहा था, यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट, ये एनएलपी के एक प्री सपोजिशन है। यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट यानी कि आप हमेशा कम्युनिकेट करते हैं, आप चाहे चुप भी हो तो भी आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर देते हैं। और साथ ही साथ एक और हमने बात की थी, द मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गेट, द मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गेट, जो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है वही आपका कम्युनिकेशन हुआ है। कम्युनिकेशन में एक चीज आप ध्यान रखें, हर एक इंसान का प्रेफर्ड रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम होता है, इंटरनल रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम। इसके बारे में आप जानते हैं, जो इंटरनल मैप है हमारा, इंटरनल मैप जानते हैं ना, VAK की फॉर्म में होता है, यस और नो। सो इंटरनल रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम ही यही है, यानी कि ये भी VAK की फॉर्म में है। कोई इंसान ऐसा होता है जो विजुअल्स में ज्यादा कम्युनिकेट करता है, कोई इंसान ऐसा होता है जो ऑडिटरी में ज्यादा कम्युनिकेट करता है, और आपको कुछ इंसान ऐसे मिल जाएंगे जो काइनेस्थेटिकली ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक हस्बैंड वाइफ थे, दोनों में बनती नहीं थी। वाइफ कहती थी कि ये मुझसे प्यार नहीं करता, ये मेरी केयर नहीं करता, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। और वो चले गए एक काउंसलर के पास, और काउंसलर ने पूछा, भाई क्या इश्यू है। वाइफ ने एकदम से बोला, मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती, ये मेरी कोई कदर नहीं करता, ये मेरी कोई केयर नहीं करता। अब काउंसलर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसीलिए हूं, आपका सोल्यूशन देता हूं। और काउंसलर ने उसके हस्बैंड से पूछा, हाँ जी भाई साहब, ये क्या कह रही हैं आप, क्या ये सच है। हस्बैंड ने एकदम से कहा, नहीं ये बिल्कुल झूठ है, मैं तो इसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत केयर करता हूं। उसने कहा, कैसे। हस्बैंड ने कहा, आप इन्हीं से पूछिए, पिछले साल मैं इन्हें वर्ल्ड टूर करवा कर लाया था, बहुत सारे फॉरेन डेस्टिनेशन पर लेकर गया था। उसकी वाइफ से पूछा गया, उसने कहा, हाँ जी बिल्कुल सही है। उसने कहा, इनसे पूछिए, अभी 2 महीने पहले मैंने इन्हें एक बढ़िया सी साड़ी गिफ्ट की थी, बहुत ही कॉस्टली साड़ी थी, 10,000 की साड़ी थी। तो इनसे पूछिए कि क्या ये सही है। उसे पूछा गया, सो उसने कहा, हाँ जी ये भी सही है। उसने कहा, एक और बात ले लीजिए, अभी हम जहां से आ रहे हैं वो एक ज्वेलर की शॉप थी, और ये एक हीरो का हार लेकर आई है अभी। कहती, हाँ ये भी सही है। तो अब काउंसलर थोड़ा सा परेशान हुआ, उसने कहा, क्या बात है। तो काउंसलर ने पूछा, भाई इतना तो आपका ध्यान रखता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। तो उसकी वाइफ ने कहा, इनसे पूछिए कि इन्होंने मेरे साथ बातें कब की थी, कब मेरे साथ ये बातें करते हैं, कब इन्होंने मुझे अच्छे वर्ड्स बोले, कब इन्होंने मुझे आई लव यू बोला। ध्यान दीजिए वाइफ क्या कह रही है, इनसे पूछिए। पूछना किससे रिलेटेड है, ऑडिटरी आस्क, राइट, कि इन्होंने कब मेरे साथ बातें की, बातें, राइट। इसी तरह से कब इन्होंने मुझे वर्ड्स बोले, बोले वर्ड्स, ये सारे ऑडिटरी को शो कर रहे हैं, ऑडिटरी को, ऑडिटरी कम्युनिकेशन है। सो उसकी वाइफ किस मोड को प्रेफर कर रही है, ऑडिटरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब हस्बैंड को देख लेते हैं, उसके हस्बैंड क्या कह रहा है, भाई मैं इसे वर्ल्ड टूर करवा कर लाया, मैंने इसको साड़ी दी, मैंने इसको हार दिया, वो क्या है ये सारी चीजें दिखाने वाली, ये विजुअल्स है सारी। सो वो हस्बैंड का मोड ऑफ कम्युनिकेशन विजुअल है, और उसकी वाइफ का मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑडिटरी है। एक इस लेवल पर है, एक उस लेवल पर है, दोनों के लेवल्स अलग है, कहां मैचिंग है, मैचिंग तो है ही नहीं। दोनों एक दूसरे को करते हैं प्यार, लेकिन दोनों का प्यार करने का तरीका अलग है, प्यार जताने का तरीका अलग है। यही तो प्रॉब्लम होती है ज्यादातर रिश्तों में।
क्योंकि हमें पता ही नहीं होता सामने वाला उस चीज को किस तरह से परसीव कर रहा है, सामने वाले की क्या रिक्वायरमेंट है, सामने वाले को क्या चाहिए। और हर इंसान का एक प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ज्यादातर इंसान का, किसी किसी के दो या किसी किसी के तीनों भी हो सकते हैं, जो सिचुएशन बेस्ड पर यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का एक प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, कोई विजुअल में, कोई ऑडिटरी में, कोई काइनेस्थेटिक में। अब यहां पर तो हो गया ना प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम, ये तो हस्बैंड वाइफ की बात थी, पेरेंट्स और किड्स में भी यही होता है। बच्चों के अगर हम हैं, हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे बच्चे हैं, उनके साथ भी तो यही कम्युनिकेशन का इशू है, बॉस के साथ भी यही कम्युनिकेशन का इशू है, सबॉर्डिनेट के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी, यही तो इशू होते हैं सारे, कि अलग अलग लेवल है। अब उस हस्बैंड को ये पता होता कि भाई ये ऑडिटरी मोड में बात कम्युनिकेट करती है, तो उसने करना क्या था, उसके साथ बैठकर बातें ही तो करनी थी, इतना पैसा भी बचा लेता बेचारा, है ना, वो तो चाहिए ही नहीं उसको। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जाने कि सामने वाले का मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ये कैसे जान सकते हैं। चलिए इसको सीखते हैं कि कम्युनिकेशन के मोड को कैसे जानेंगे। इसके कुछ एक्सेसिंग क्यूज होते हैं। सबसे पहले तो आई एक्सेसिंग क्यूज की बात करते हैं। जो भी विजुअल इंसान होगा उसकी आंखें ऊपर की तरफ जाएंगी, या तो राइट अप या लेफ्ट अप कम्युनिकेट करते हुए, और कभी कभी वो बिल्कुल सामने रह सकती है, लेकिन उसके सामने, मान लीजिए वो आपसे बातें कर रहे हैं, उसके सामने ब्लर्ड हो, आप नहीं दिखाई दे रहे हो, वो कुछ और देख रहा है, क्योंकि विजुअल्स अपने विजुअल्स बनाता है, एंड विजुअल जो इंसान होता है वो अपने विजुअल्स क्रिएट करता है, उसके सामने उसकी मूवी या पिक्चर चल रही होती है, तो आपके सामने आपको लगेगा वो आपको देख रहा है, लेकिन वो तो एक्चुअली अपनी मूवी को या अपनी फोटो कोई पिक्चर है उसके सामने वो देख रहा है। जब भी कोई इंसान विजुअल ऐसे ही कोई चीज, कोई आप फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान ऐसी कोई चीज को रिकॉल कर रहा है जो उसके मेमोरी के अंदर है, जो उसे याद है, तो वो लेफ्ट अप देखेगा, और अगर नई चीज को क्रिएट कर रहा है तो राइट अप देखेगा। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताएं कि आपके बेडरूम का कलर क्या है, तो आपकी आंख, आपके बेडरूम का कलर क्या है, आपके बेडरूम का कलर क्या है, लेफ्ट अप जाएगी आपकी आंखें। और अगर मैं कहूं आप अपने लिविंग रूम के कलर को चेंज कर दें, और लेटर से वाइट कर दें, रेड कर दें, ब्लैक कर दें, वट एवर आई से, जो जो नहीं है वो कर दें, तो आपकी आंखें अब कहाँ जाएंगी, इस समय आप देखेंगे तो इस समय आपकी आंखें राइट अप जाएंगी, क्योंकि अब आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, अब आप कुछ नया बना रहे हैं, समझ रहे हैं, जो चीज आप नई चीज क्रिएट कर रहे हैं वो यहां पर है, जो मेमोरी से आ रही है वो यहां पर है, ठीक है, सिर्फ मुंह ऊपर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीधा है तो भी आंखें ऊपर जा सकती है, राइट, यश इधर इधर कर रहा है, किधर एक उधर, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है, नॉर्मली कैजुअली बिना आप बिल्कुल कॉन्शियस नहीं हो, सीधा नॉर्मली ऐसे सोचें, अच्छा मेरे बेडरूम का कलर क्या है, आपकी आंखें उधर जाएंगी, अच्छा उसके कलर को मैं ब्लैक कर दूं, अब आपकी आंखें और उधर जाए, दूसरी तरफ जाएंगे, ठीक है। इसका कभी भी आपसे, आपका बच्चा है मान लो घर लेट आ रहा है, या ऑफिस में सबॉर्डिनेट लेट आ रहा है और इधर उधर जाके आ रहा है, आप उससे पूछें, अरे भैया कहाँ गए थे, अरे ये हो गया था, वो हो गया था, देख लो उसकी आंखें कहाँ जा रही है, अगर लेफ्ट अप जा रही है तो सच बोल रहा है, राइट अप जा रही है तो बना के बोल रहा है, क्योंकि क्रिएटिविटी है ना, या तो क्रिएट कर रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है, तो ये भी कर सकते हो आप। इसी तरह से जो ऑडिटरी इंसान होगा वो आवाज को सुनेगा, ठीक है, ऑडिटरी इंसान आवाज को सुनेगा, उसकी आंखें कहां जाएगी, सेम राइट ईयर की तरफ या लेफ्ट ईयर की तरफ, अगर कोई आवाज को वो रिकॉल कर रहा है मेमोरी से तो लेफ्ट ईयर की तरफ, अगर आवाज को, नई आवाज को क्रिएट कर रहा है तो राइट ईयर, और अगर कोई वर्ड्स को सुन रहा है तो लेफ्ट डाउन जाएगी, ठीक है।
वर्ड्स के केस में लेफ्ट डाउन जाएगी, ये आपकी ऑडिटरी वाले की है। और कानेस्थेटिक वाले की एक ही है, कानेस्थेटिक वाले की आंखें राइट डाउन जाएंगी हर हालत में। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं। हाँ यश, क्वेश्चन है कुछ? सर लेफ्ट के लिए वर्ड्स के लिए, तो राइट कभी के लिए राइट आई? मैंने नहीं, नहीं सुनो, दोबारा से सुनो, ध्यान से सुनो। विजुअल की आंखें लेफ्ट अप जाए, राइट अप या लेफ्ट अप जाएंगी? राइट अप जाएंगी, कुछ क्रिएट कर रहा है नया, लेफ्ट अप जाएंगी, मेमोरी से रिकॉल कर रहा है। इसी तरह से कोई साउंड को अगर रिकॉल कर रहा है तो लेफ्ट ईयर की तरफ जाएगी, और नई साउंड को क्रिएट कर रहा है तो राइट ईयर की तरफ जाएगी। ठीक है, विजुअल की आंखें कभी कभी सामने भी रह सकती है, ब्लर्ड होगी, लेकिन उसके सामने बाकी इमेजेस। और वर्ड्स को जो सुन रहे हैं ऑडिटरी वाला, वो लेफ्ट डाउन जाएंगे, नीचे लेफ्ट डाउन वर्ड्स में। ठीक है, इसी तरह से काइनेस्थेटिक की हर हर सिचुएशन में राइट डाउन जाएगी। सो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि सामने वाला विजुअल है, ऑडिटरी है या काइनेस्थेटिक है। एक तो तरीका ये हो गया, और भी तरीके हैं, फिजियोलॉजी से भी आप पता लगा सकते हैं। विजुअल जो इंसान होगा बहुत तेजी से बोलेगा, बहुत फास्ट बोलेगा, राजधानी एक्सप्रेस चला देगा, अरे अब इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें, ये कर लेंगे जी, वो कर लेंगे, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे खत्म। और उसके कई बार नेजल साउंड भी आती है, नाक से आवाज भी आती है। पॉजेस तो आपको पता है, जब इतनी तेज चल रहा है तो पॉज तो होंगे ही नहीं बीच में। उसकी जो ब्रीदिंग है वो शैलो होगी। उसकी बॉडी से आप में आपको टेंशन महसूस होगी कि टेंस है उसकी मसल्स, राइट? ये विजुअल की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ऑडिटरी की क्या होगी? ऑडिटरी रिदमिक उसमें बोलेगा, राइट? वो तो राजधानी एक्सप्रेस चला रहा है, ये बड़े रिदम में बोलेगा, जैसे नॉर्मली बोलते हैं ना, बड़े मेलोडियस आवाज है, जैसे उस रिदम में बोल रहा है, और रेगुलर पोजेज होंगे। ठीक है, और कोई टेंशन वेंशन नहीं होगी। हाँ, उसका हेड एक तरफ टिल्ट होगा, कभी राइट या लेफ्ट की तरफ हल्का सा हेड टिल्ट भी हो सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ उसकी जो ब्रीदिंग है वो रेगुलर होगी, नॉर्मल ब्रीदिंग होगी उसकी जो होती है। और काइनेस्थेटिक की क्या है? काइनेस्थेटिक इससे समझ ले पहले, काइनेस्थेटिक वाला बड़ा ही डीप टोन में बात करेगा, बहुत डीप होगी उसकी टोन, और पॉजेस तो उसके बिल्कुल ऐसे होंगे कि आप वो एक वर्ड बोले और आप किचन में जाएं, चाय बना लें और चाय बना के पी के आ जाएं, तो आप नेक्स्ट वर्ड सुन सकते हैं। आपको याद होगा हमारे एक लीडर होते थे मिस्टर वाजपेयी, है ना, बड़ा आराम आराम से बोलते थे। सो आप और बहुत रिलैक्स्ड होंगे, वो डीप ब्रीथ कर रहे, डीप ब्रीदिंग होगी उनकी, राइट? मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड होंगी। ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं काइनेस्थेटिक वालों की। ठीक है, इस तरह से ये आप पता लगा सकते हैं कि इनकी क्या है। और यस यश, क्या क्वेश्चन है? किसी का सर टिल्ट होता है लेफ्ट टू राइट, तो उससे क्या पता चलता है? कोई नहीं, वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक है भाई, जब वो कम्युनिकेट करते हैं हल्का सा टिल्ट हो जाता है, जैसे मान लो इससे क्या समझ में आता है? ऐसे थोड़ी पूरा टिल्ट नहीं, नहीं, हल्का होता है, तो ऐसे क्या समझ में आता है? मतलब वो ऑडिटरी मोड में कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीजें भी चेक कर लें कि वो उस समय उसकी आवाज, उसकी जो कम्युनिकेशन है वो रिदमिक है, जो बोल रहे हैं वो रिदमिक उसमें बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसके साथ एक और चीज है जिससे आप पता लगा सकते हो, एक और चीज ये सुन लो, फिर उसके बाद मैं को लेता हूँ क्वेश्चन। यहां पर कुछ वर्ड्स भी हैं, वर्ड्स से भी आप पता लगा सकते हैं विजुअल वाले के वर्ड्स कैसे होंगे। जो विजुअल उसमें कम्युनिकेट करेगा वो क्या कहेगा? शो मी, शाइन, वाइब्रेंट, रेनबो, राइट, ब्राइट कलर्स, ये उसके वर्ड्स होंगे, राइट? और ऑडिटरी वाले के वर्ड्स क्या होंगे? लिसन, साउंड, इको, विस्पर, नॉइज, इस तरह के होंगे। और काइनेस्थेटिक वाले के वर्ड्स क्या होंगे? टच, ग्रास्प, ग्रैब, होल्ड, हॉट, कोल्ड, राइट? इस तरह के ये वर्ड्स होंगे ऑडिटरी इसके काइनेस्थेटिक वाले के। ठीक है, सो इस तरह से ये आप वर्ड से भी पता लगा सकते हो कि सामने वाला इंसान किस मोड में कम्युनिकेट कर रहा है। और जरूरी नहीं, जैसे मैंने कहा एक मोड होता है प्रेफर्ड कम्युनिकेशन का, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी के दोनों मोड्स को यूज ही नहीं करता। ज्यादातर वो एक मोड को यूज करता है, लेकिन कुछ समय में
किसी किसी समय में बाकी के दोनों मोड्स को भी यूज करता है। मान लीजिए एक विजुअल इंसान है जो नॉर्मली विजुअल मोड को में कम्युनिकेट करता है, घर में जा रहा है, बच्चों के साथ प्यार कर रहा है, तो बच्चों को हक कर रहा है, तो वो अब काइनेस्थेटिक मोड में आ गए, लेकिन ज्यादातर वो विजुअल मोड में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रेफर्ड जो पैटर्न है वो विजुअल है। ठीक है, हाँ जी अनुपमा कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। अच्छा अनुपमा तो ड्रॉप आउट हो गए। यस एनी क्वेश्चन ऑन दिस? एनी क्वेश्चन? क्लियर है? ठीक है, इस को एक एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि एक क्रिकेट मैच हो रहा था, ठीक है, क्रिकेट मैच में किस तरह से आप इसको कर सकते हैं, लेट अस से समझ सकते हैं, मतलब बेसिकली समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ओके अनुपमा इज बैक। अनुपमा क्वेश्चन था आपका, पहले क्वेश्चन पूछ ले फिर मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था। यस सर, जैसे बहुत लोग बात करते करते वक्त उनकी आदत होती है वो टच करते हैं बॉडी। हाँ वो टच करते हैं, वो काइनेस्थेटिक होते हैं। काइनेस्थेटिक की एक ये भी होती है जो बार बार लोग कहते हैं ना, टच करना शुरू करते हैं, यहाँ पे कर दिया, अरे यार कैसा है, और है ना, तो वो काइनेस्थेटिक। कितनी बार इससे लोग ऑफेंड भी कर जाते हैं कि हाँ ये मैं बताता हूँ। काइनेस्थेटिक जो लोग होते हैं ना वो टच करना पसंद करते हैं। उसमें क्या होता है, वो क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं दूसरे को टच करें, अगर दूसरे को टच ना कर पाए तो टेबल से कुछ भी चीज उठा लेंगे और उसको टच करना शुरू कर देंगे, और अगर कुछ भी ना मिले तो अपने आप को ही टच करना शुरू कर देंगे। जी भाई साहब ऐसी बात है कि बस पता पता नहीं कि क्या कहें आपको।